तो एज रोहित बोला कि गेट दिख रहा है तो अच्छा है, तो अंदर जाते हैं। वहाँ पे कुछ वॉल पेंटिंग्स भी की है, तो फर्स्ट अभी जा रहे हैं अंदर। सो गाइज, बहुत ही फर्स्ट एंट्रेंस से बहुत ही सही लग रहा है, सुपर। तो आप देख सकते हैं गार्डन सुपर मेंटेन, बहुत ही सही। या दिस इज अ व्यू पॉइंट, उसके साथ माउंटेन 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 माउंटेन, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखेगा आपको, जो बहुत कम मिलता है सिटी लाइफ में देखने को। तो सही स्पॉट है देखने के लिए। और थोड़ा कैमरा घुमा देते हैं हम लोग, 360 एंगल में आपको दिखा देते हैं, इतना ग्रीनरी है इधर। सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, तो फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो नवरात्रि के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, मीन्स रोहित और मैं जा रहा हूँ साउथ कर्नाटका, जो कि अंकोला साइड रहेगा। तो वहाँ पे हमने दो प्लेस अभी तक चूज किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट प्लेस रहेगा जो कि है सालू मरदत मक्का ट्री पार्क, जो अंकोला में है। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उस साइड्स में लोकेशन बहुत ही अच्छे है। तो उसके बाद में एक लोकेशन रहेगा जो कि है हनी बीच। तो अभी मैं पहुंचा हूं यहां पे कोड़ीबाग ब्रिज कारवार में। सो यहां से मैं जा रहा हूं कारवार में। तो चलिए फटाफट से जर्नी स्टार्ट करते हैं, और आपको भी ये जो कुछ रहेगा आगे का व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जल्दी से जल्दी जाते हैं, तो फटाफट से रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का। तो रेडी स्टडी गो। सो यहाँ से डीसी ऑफिस के यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट में रोहित वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पे वेटिंग कर रहा है। ऑलरेडी लोकेशन बताया था, उसका नाम भी अभी याद नहीं मुझे। तो जाएंगे पहले स्ट्रेट। ओके, सो दिस इज अ पिकर रूट, तो यहाँ से भी राइट लेता हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट रोहित से, बाद में आगे की जर्नी कंटिन्यू होगी विथ प्रॉपर प्लानिंग। तो देखता हूँ मैं। सो वहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए, या वहाँ पे है दिखा मुझे। सो लेट्स, सो हियर इज रोहित ब्रो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं कारवार में आ चुका हूँ, रोहित से आप मिले हो। सो अभी जो कुछ भी अभी यहाँ पे प्लान हुआ ये राइड का, जो अभी रोहित ने कॉल किया था मुझे, आई थिंक तो थर्सडे। सो वहाँ से जो बातचीत होती रही, तो ये यहाँ पे फ्राइडे को रहने वाला था। तो प्लान हुआ जो कि फर्स्ट मैंने आपको बताया तिम्मका गार्डन, और बाद में हनी बीच। तो उसके बाद में अभी वहाँ पे देखेंगे लोकेशन क्या रहेगा। तो क्या प्लानिंग रहेगी क्या क्या फिलहाल के लिए, तो तिम्मका गार्डन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा टाइम होता है, किधर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और देखते हैं और कौन सा प्लेस हमें एक्सप्लोर। तो अभी इस राइड में रोहित है मेरे साथ, तो ये एक्सपीरियंस देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसके साथ लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ। सो देखेंगे, और इसको यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और इसका जो पंच लाइन्स होती है आपको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस कारवार से हम अभी निकल रहे हैं। तो एक कारवार का आपको फिर से दर्शन करवा ही देता हूँ। सो यहाँ से अभी जो नवीन मोबाइल स्टोर था वहाँ से निकले, ये स्ट्रेट जाएंगे, तो बाद में हम लोग हाईवे को कनेक्ट हो जाएंगे। सो 112, व्हाट इज दिस रे, पुलिस की तो प्रेस भर ले रहे थे यार। सो दिस इज नम कारवार, हमारा कारवार है, तो सिटी में है हम। सो यहाँ से अभी अंकोला जो कि 37 किलोमीटर, राइट,
तो ऑलमोस्ट एज अ गूगल मैप से दिखा रहा था 55 मिनट्स लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो स्ट्रेट हमारा बस स्टैंड है कारवार का, और हम जा रहे हैं अभी राइट साइड में, हाईवे को कनेक्ट हो जाएंगे NH66। तो आगे देख रहे हैं ये हमारी कर्नाटक सारी के मीन्स ट्रांसपोर्ट है कर्नाटक का जो बसेस है, बहुत ही कूल फील होता है उनको देखने के बाद। सो यहाँ पे तो फ्लाईओवर के काम चालू है और दो टनल्स भी चालू है, जैसे कि मेरे पहला एक वीडियो डाला है टनल्स के बारे में, तो आप इंजॉय कर सकते हो। तो ये कोस्टल एरिया हमारा अरेबियन सी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कारवार में कभी आप आ रहे हो तो। 9:50 अभी बजे है। सो दिस इज अ कारवार बंदर, कारवार पोर्ट। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आती है जो बाहर देश से आती है, इंडिया से भी आते हैं। सो बहुत ही अच्छा प्लेस है, लेकिन यहाँ पे अभी जो बारिश की वजह से रोड का पूरा बैन बच चुका है, तो थोड़ा देखेंगे, आराम से जाएंगे यहाँ से। बाद में हमको आगे जो NH66 मिलेगा ही 4-lane हाईवे, तो वहाँ पे अच्छा होगा, तो देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग निकल रहे हैं अंकोला सालू मरदा तिम्मका गार्डन ट्री पार्क। ओके, सो दिस इज अ सालू मरदा तिम्मका। बाइक वृक्ष उद्यानवन हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो बाइक यहाँ पे पार्क की है और आपको भी ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे पार्किंग के, जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए। कैसे दिखता रोहित? बहुत अच्छा है, एंट्रेंस तो बहुत सही है। देखते हैं कैसा, अंदर जाके देखना पड़ेगा अभी कैसा लग रहा है, क्या है, थोड़ा बहुत देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे वो चीज भी। उत्तर कन्नड़ा का क्या क्या थिंग्स है देखते हैं क्या होने वाला है। उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये अंकोला एरिया है, तो कारवार से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे प्लेस है जो बाहर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं, तो रोहित इस बार आया है, तो देखेंगे आगे भी प्लानिंग होगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो एज अ रोहित बोला कि गेट दिख रहा है तो अच्छा है, तो अंदर जाते हैं। वहाँ पे कुछ वॉल पेंटिंग्स भी की है, तो फर्स्ट अभी जा रहे हैं अंदर, तो देखते हैं टिकट के बारे में पूछते हैं उनको। सो यहाँ पे टाइम है बेड़िगे मीन्स 9:00 PM मीन्स सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहेगा। सो पहले ही यहाँ पे टिकट काउंटर आपको मिलेगा। सो कितने टिकट आ रहे हैं? 10 रुपये। ओके, पर पर्सन 10 रुपीज। सो आणि चिल्ड्रन्सा किती असा तिकीट्स असा लहान पराक? मकळी काय तिकीट 5 रुपये। ओके ओके ओके, सो छोटा छोटे बच्चों के लिए 5 रुपये तिकीट है। सो गाइज बहुत ही फर्स्ट एंट्रेंस से बहुत ही सही लग रहा है, सुपर डन। सो टिकट दाखे। सो यहाँ पे 20 रुपीज 2 लोगों के लिए। सो सब कुछ कन्नड़ा में, कन्नड़ा तो भरेला हमारे थे, इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में है सब, अच्छी बात है। सो गाइज ये गेट से हम आए थे, तो व्यू एंजॉय कीजिए, बहुत ही सही है। सो गाइज वहाँ पे साइन बोर्ड है जो फैसिलिटीज एट ट्री पार्क वहाँ पे मेंशन की है, तो क्या क्या है वहाँ पे थोड़ा फिर से एक बार। फिलहाल तो वॉच टावर, गार्डन ब्रिज, अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो वॉच टावर, गार्डन ब्रिज है, गांधी जी स्टैचू है, अशोक का वना, सीता अशोक का वना,
तो रामायण से भी बहुत इंस्पायर्ड चीजें हैं यहाँ पे, बर्डिंग एरिया। फिर इस साइड जाएंगे हम लोग तो कैंटीन, चिल्ड्रन पार्क, वॉकिंग पाथ, ओपन जिम भी है, तो बहुत सारी चीजों को लोगों को बहुत पसंद भी आएंगे। फिर इस साइड जाएंगे बटरफ्लाई पार्क है, तो बहुत हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो बहुत ही मजा आने वाला है लग रहा है मुझे। बहुत बड़ा भी है लग रहा है, देखते हैं कितना बड़ा है। सो गाइज, दिस इज अ बटरफ्लाई पार्क, सो रियली ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, सो नाइस। सो यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है और फ्लावर्स भी इतने खूबसूरत है, सो हैव अ लुक, क्लोज लुक। सो अभी ये कौन कौन से पेड़ है मालूम नहीं मुझे, लेकिन सही। सो रोहित कैसे दिखता है? मस्त, अच्छा है, बहुत अच्छा है, खूबत बरे दिखता, खूबत बरे दिखता, सुपर वाइब है यहाँ पे। और मेंटेनेंस कूल यहाँ पे, सब प्रिपरेशन वाइज। वहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पे स्मॉल प्रोग्राम्स होते रहेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट अंदर आने के बाद आपको महात्मा गांधी जी इनका स्टैचू देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं गार्डन सुपर मेंटेन, बहुत ही सही। तो वहाँ पे एज अ स्टेज, और वहाँ पे ओके टॉयलेट्स अरेंजमेंट है, तो नाइस। और वहाँ पे एक अच्छा ब्रिज दिख रहा है मुझे, सो हाँ वहाँ से रास्ता है, सो हमने शॉर्टकट मार के डायरेक्ट रूल्स तोड़े हैं, तो सही है यार। सो ऐसे ऐसे प्लेसेस है जो मिस करते हैं हम लोग, सो ग्लाइज पावर। तो यहाँ पे एक फोटो बनता है, तो यहाँ पे कैंटीन भी है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे कैंटीन भी अरेंजमेंट है। सो जैसे ही राइट साइड से आने के बाद आपको गाइज यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क देखने को मिलेंगे, सो सही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं आफ्टरनून के टाइम पे, तो इवनिंग टाइम पे बहुत लोग आते हैं ऐसे बोला जा रहा है। सो अभी हम तो खेल नहीं सकते इस पर, क्योंकि वो एज रिस्ट्रिक्शंस रहती है, उसके हिसाब से ही खेलना चाहिए। सो अभी वीडियो में खेला तो भी वीडियो में दिखा नहीं सकते। अभी ये कदम्बा वाना है, तो गजा थक चुका है थोड़ा चल चल के, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ, और ऐसा चेहरा देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप सिर्फ स्टेप्स देखो, इमेजिन करो आप खुद चल रहे हो इधर। तो दिस इज द फर्स्ट पंच लाइन ऑफ रोहित, खुद चल रहे हो ऐसा इमेजिन करो। देख चुके हमारा चेहरा कैसा है, पहले मैं काला हूँ और काला बनने वाला हूँ, लगता है वेस्ट इंडीज का सिटीजनशिप बहुत जल्द मिलने वाला है मुझे। कौन सा सिटीजनशिप? वेस्ट इंडीज का। और मुझे कौन सा मिलेगा दो? इनका पता नहीं, लेकिन हमारा तो पक्का उसे उधर ही नंबर लगेगा लगता है। अभी हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं चल चल के, बहुत बड़ा है उस हिसाब से, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा रहेगा, और गजा भी थोड़ा वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना बड़ा होगा। यस यस, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे, तो जंगल एरिया टाइप है, आपको चढ़ के ऊपर आना होगा। सो बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में जंगल एरिया टाइप है, बहुत ही अच्छा प्लांटेशन वाइज, मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे जंगल एरिया फॉरेस्ट एरिया ही है ऐसा तो मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? फॉरेस्ट एरिया ही है पक्का, देख के तो वैसे ही लग रहा है। सो अभी थोड़ा आगे एज ए रूट के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे और क्या देखने को मिलता है। सो या दिस इज अ व्यू पॉइंट, सो गाइज दिस इज अ व्यू पॉइंट। सो रोहित फर्स्ट जा रहा है, सो लेट्स गो अप। एंड यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, वहाँ पे अरेबियन सी है वो साइड में, वो कोस्टल एरिया। सो ये पूरा आपको फॉरेस्ट एरिया दिखेगा, वहाँ पे NH66 हाईवे जा रहा है, बहुत ही सही। सो गाइज यहाँ पे हम लोग व्यू पॉइंट पे अभी टॉप साइड में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे धूप लग रही है, तो रोहित प्रिपेयर्ड, मैं तो कैप डाल के रहता हूँ, तो अभी आगे आगे प्लानिंग होती रहेगी, तो दिस इज मीन्स मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन रोहित फर्स्ट टाइम आ रहा है, रहेगी उसको भी आदत, लेकिन ऐसी आदत नहीं, इसीलिए स्काफ रहना पड़ता है, तो दोनों ट्विन वन हो जाता है, ट्विन वन हो गया उसके लिए अच्छा है बात है। सो जैसे आपको मैं व्यू दिखा रहा था, सुपर यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, अमेजिंग सुपर। सो चारों साइड में
आपको जैसे मैंने बोला था वहाँ पे अरेबियन सी, तो यहाँ से दिख रहा है लेकिन कैमरा में दिखेगा मालूम नहीं मुझे। तो यहाँ पे जो अभी आपको ये व्यू के बारे में एक्सप्लेन करने वाला है रोहित, तो रोहित से जानते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ, अभी डायरेक्ट व्यू पॉइंट पे ही देखेंगे हम लोग। तो अभी ये रिपोर्टर जैसी फीलिंग आ रही है फिलहाल के लिए तो तो अभी देखेंगे। इधर पूरा ही पूरा माउंटेन है, पूरा नेचर, जो भी नेचर लवर है उसको बहुत ही सही पसंद आएगा। पूरा माउंटेन से घिरा पड़ा है, पूरा माउंटेन्स आप देख रहे हो, नीचे रेलवे ट्रैक है, पूरा ग्रीनरी है और कुछ नहीं दिखेगा आपको, पूरा माउंटेन्स माउंटेन्स माउंटेन्स, फिर जाके अरेबियन सी उधर दिखेगा, अरेबियन सी का पूरा बड़ा व्यू, और उसके बाद अरेबियन सी तो ख़त्म होने वाला नाम लेता नहीं है, तो फिर वो बहुत चलते जाता है। उसके साथ माउंटेन 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 माउंटेन, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखेगा आपको, जो बहुत कम मिलता है सिटी लाइफ में देखने को, तो सही स्पॉट है देखने के लिए। और थोड़ा कैमरा घुमा देते हैं हम लोग, 360 एंगल में आपको दिखा देते हैं, इतना ग्रीनरी है इधर, तो जब मिलता है तो पूरा यूज़ करना ज़रूरी है, तो फिर देख लीजिए आप लोग एक बार फिर। सो गाइज, जस्ट मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। सो जैसे कि रोहित ने बोला अरेबियन सी, वहाँ पे तो कोस्टल एरिया है ये सब। सो वहाँ पे माउंटेन्स दिखेंगे आपको, वहाँ पे हाईवे NH-66 दिखेगा, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, और जैसे ही मैं सराउंडिंग में घूमता हूँ तो यहाँ पे जंगल एरिया माउंटेन से घिरा हुआ, वहाँ पे गांव, और यहाँ पे जो हम लोग आए थे वहाँ पे जो एंट्रेंस है वहाँ पे एक छोटा दिख रहा है आपको, पेवर्स डाले रेड कलर में, वहाँ से हम लोग स्ट्रेट यहाँ से चल के इस रूट से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। सो सुपर, तो वहाँ पे कोकोनट ट्रीज है, तो बहुत ही सही व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे एक जस्ट वेट, मैं अभी कैमरा लेंस घुमाता हूँ। सो ओके, कैमरा लेंस घूम चुकी है। सो रोहित ने बहुत ही एक्सप्लेन किया, यार मेरे से बहुत अच्छा बात करता है, हिंदी है, बहुत ही डिफरेंट लगा मुझे, मैं बात कर रहा हूँ तो वो बोलते हैं ना तो ऐसा ऐसा वाला वो बातें चलता है इसका, तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार सच्ची में मैं फील कर रहा हूँ था इसके जैसे, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा करा है। फर्स्ट टेक में मैंने जो चैनल चालू किया था मैं रुक रुक के बात करता था, लेकिन इसने जो बात किया मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही। सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइए। सो गाइस, तो वहाँ पे व्यू पॉइंट टॉप साइड अभी रोहित है, और ये जो व्यू है तो आपको जाते जाते फिर से दिखाता हूँ, सुपर दिख रहा है। सो चल बाबा, यो बेगिन यो बैठ बैठ के वहाँ पे क्या करेंगे। सो गाइस अभी बैठने को मिले, अब बैठने का मन कर रहा है उतना थक चुका है, तो बहुत ही सही है यार। और नीचे तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, पहले वहाँ पे जाते हैं, और बहुत ही सही क्लासिक, यहाँ से व्यू पॉइंट से व्यू देखने को ही मज़ा आ रहा है, क्या बोलूँ अभी मैं। सो इस रूट से जाएंगे, क्या करेंगे। सो यहाँ से एक रूट दिख रहा है, वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं पहले। सो लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे भी और एक प्लेस है, यहाँ पे सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज मिल रहे हैं। सो वहाँ पे हमने कितना टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पे और एक प्लेस है। सो और बटरफ्लाई से यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ व्यू ओके दिस साइड। सो अरे यार दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, और क्या व्यू दिख रहा है, मीन्स अरे यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस भी है। सो गाइज अभी हम लोग हो चुके हैं जाम, तो मैंने तो अभी जैकेट निकाला है, तो यहाँ पे थोड़ा जो मम्मी ने बनाया वाला कोकम का जूस पीते हैं, और चलिए गाइज अभी जाते हैं नीचे। मेन तो यहाँ पे एक मेन स्पॉट था, वो था व्यू पॉइंट, और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छा प्लेस है, तो वो पहले ही मैंने आपको दिखाया था। सो अभी वो साइड में जाके देखेंगे और क्या है देखने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे व्यू पॉइंट है, जस्ट बेटा किधर गया, ओके। सो ये है व्यू पॉइंट जहाँ से हमने आपको थोड़े बहुत वीडियोस दिखाए थे, तो बहुत ही सही है। और यहाँ पे और कुछ है मालूम नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सही है, फोटोज़ के लिए परफेक्टली प्लेस है, बहुत ही मज़ा आया। तो पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल, तो क्या करेंगे, तो खाएंगे पहले, क्योंकि वहाँ तो कैंटीन बंद है जो कि हम जाते समय देखे थे, और अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हनी बीच के लिए, तो उसके पहले यहाँ पे ही खाने को रुकेंगे क्या, हनी बीच पे जाएंगे।
देखते हैं वहाँ पे, तो बीच में नहीं तो कुछ रेस्टोरेंट्स मिले तो वहाँ पे जाएंगे, नहीं तो कुछ तो प्लान करना हो। लेकिन आई होप कि ये गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। ये जो ट्री पार्क है, जो सालू मरदा ट्री पार्क सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने रील्स भी अच्छे बनाए, फोटोज भी अच्छे लिए यहाँ पे, और ये जो क्लाइमेट है ना सही है। तो डेफिनेटली विजिट हियर इन अंकोला सालू मरदा तिम्बक्का ट्री पार्क। और फिर से मैं आने की कोशिश करूँगा यहाँ पे फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेस फॉर फैमिली, परफेक्ट प्लेस फॉर फैमिली, तो बहुत ही सही लगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पावरफुल लगा वो कौन सा प्लेस था? व्यू पॉइंट इतना क्लासी है वहाँ पे, जो कि आप मैं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वीडियोस में भी मैंने देखा नहीं वो पॉइंट। लेकिन हम लोग जब राउंड मारने के लिए वहाँ पे गए तो बहुत ही सही प्लेस मिला, तो बहुत ही इंजॉय किया वहाँ पे। हमने डांस भी किया है जो कि इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे जरूर जाइए और चेक कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी फिर से नीचे आ रही है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग निकलते हैं और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि रहेगा आई होप सो हनी बीच का। सो उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।